नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MNP नॉलेज स्कूल में। जब से बिहार में 16 से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन लगने की घोषणा हुई थी, तब से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में भी 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन लग सकता है। इस पे उत्तर प्रदेश शासन ने क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी हुए हैं सरकार के द्वारा लॉकडाउन के लिए, वो सब क्या है ये भी इस वीडियो में अच्छे से जान लेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, सबसे पहले जो सवाल का जवाब है कि क्या 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा, तो इसका आंसर है नहीं। सरकार ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कोई लॉकडाउन अभी फिलहाल लगने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 16 से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन लगाने के सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक। अब इसके गाइडलाइंस क्या है, आइए हम जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, ये लॉकडाउन COVID-19 और बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको नियंत्रित करने के लिए लगाया जा रहा है। इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय यानी कि सारे ऑफिस, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाले और बैंकों को छोड़कर बाकी सब बंद रहेंगे। सारे शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। बाकी दिनों में यानी मंडे टू फ्राइडे इनके खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाले साप्ताहिक बंदी भी शनिवार रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकता है। सारे धार्मिक स्थल जो है शनिवार रविवार को खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन करते हुए ये खुल सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भी औद्योगिक कारखाने हैं, जहाँ पे IT और ITES यानी कि IT इनेबल सर्विसेज से जुड़े जो भी उद्योग हैं वो चलते रहेंगे, वो शनिवार रविवार को बंद नहीं होंगे। यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रतिबंध है उसको मानना होगा। बाकी सारे एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग, जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी लोग हैं, चिकित्सा संबंधी जो भी लोग हैं, वो सभी लोग शनिवार रविवार को भी पहले की तरह काम करते रहेंगे। उससे रिलेटेड ऑफिसें खुलेंगी और जो भी कोरोना वॉरियर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डोर स्टेप डिलीवरी वाले लोग हैं, वो सभी लोग इस दौर में भी काम कर सकते हैं। रेलवे और सड़क जो परिवहन निगम की जो बसें हैं वो पहले की तरह चलती रहेंगी और रेलों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि अगर उनको बस की ज़रूरत पड़े तो उनके लिए उपलब्धता हो। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो हवाई सेवा है वो ऐसे चलती रहेगी और हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बाकी देखिए, जो मालवाहक वाहन होंगे उनके आवागमन पे आने जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में सफाई और स्वच्छता यानी सैनिटाइजेशन का काम चलेगा शनिवार रविवार को। सारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो सर्विलांस करती रहेंगी, मेडिकल स्क्रीनिंग करती रहेंगी और जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं उनके लिए ड्यूटी पास उनका ID कार्ड यानी पहचान पत्र ही होगा। पूरे प्रदेश में जो बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाकी सरकारी भवन और बड़े जो निजी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो भी ACTs चलते रहेंगे। बाकी पब्लिक प्लेसेस पे एक प्रचार के लिए कोविड से कैसे बचे उसके लिए विज्ञापन चलता रहेगा और
बाकी जो प्रशासन होगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पुलिस अधिकारी होंगे, वो भी भ्रमण करते ये देखते रहेंगे कि कोई बेकार में ना घूमे। सब्जी और फलों की जो मंडियाँ होंगी और जो दुकानें होंगी वो एज इट इज़ खुली रहेंगी। तो ये गाइडलाइंस है जो लॉकडाउन यूपी में लगेगा शुक्रवार रात 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक। ये फिलहाल 31 जुलाई तक लगेगा। 31 जुलाई तक आपके अभी दो शनिवार दो रविवार हैं, तो यानी कि दो बार आपको इस महीने अभी और लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन का पालन करना होगा। बाकी जो ये खबर थी कि 16 से 31 जुलाई के बीच में बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगेगा, ये खबर गलत है। सरकार ने इसको बिल्कुल मना कर दिया है। फिलहाल के लिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सभी लोग अपना ध्यान रखें, सावधानी से रहें, अलर्ट रहें। नमस्कार।